हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दूरी और समय पर आधारित सवाल को हल करेंगे, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत होगा और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा पूरा आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो 15 का पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, क्लियर। इससे पहले का प्रश्न जो है सो हल किया जा चुका है, अगर वो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें, यानी कि दो व्यक्ति हैं और वो दोनों व्यक्ति कार से दूरी से मतलब गाड़ी से दूरी तय कर रहे हैं, क्लियर। और वो जो है सो 3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, कब, जब वो एक ही दिशा में चलते हैं तब 3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी पर है ना रहते हैं, जबकि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो वह 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं, क्लियर है ना। कितने किलोमीटर की दूरी पर, 300 किलोमीटर की दूरी पर, जब है ना, कब, जब ये विपरीत दिशा में है ना, ये एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में जब चलते हैं तो वह 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है, तो वह कितने दूरी पर हो जाते हैं, तो 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। दोनों स्थिति में समय हमारा 3 घंटा ही हो रहता है, प्रश्न में ऐसा ही कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको दोनों व्यक्ति के गाड़ी की चाल को मान लेना है। तो हमने मान लिया है, माना कि पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की गाड़ी की चाल y किलोमीटर घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। और जब एक ही दिशा में दोनों चलते हैं तो वह 7 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, और जब दूसरा विपरीत दिशा में चलते हैं तो 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। तो दोनों गाड़ी की चाल क्या होगी, तो चलिए इससे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, फिगर के माध्यम से, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। देखिए पहली स्थिति को हमने मान लिया है कि दोनों एक ही पॉइंट पे खड़ा है, क्लियर, एक ही जगह से, और ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति है। अब ये जब चलेंगे एक ही दिशा में, तो मैंने इसको राइट साइड की ओर चला दिया है, तो ये चले पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, तो जब शुरुआत में तो एक ही पॉइंट पे होंगे, दोनों एक ही जगह होंगे, जब चलना शुरू करेंगे तब रास्ता में वो आगे पीछे हो जाते हैं, और इस प्रकार मान लीजिए कि पहले व्यक्ति आगे निकल जाते हैं, दूसरे व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। हो सकता है कि दूसरा भी आगे निकल सकता है, पहला पीछे रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों ही स्थिति में हमारा समान आंसर आने वाला है, क्लियर है। तो देखिए पहला व्यक्ति आगे आगे चले गए हैं पीछे, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा पीछे रह गया है, तो ये आगे पीछे हो गए ना, तो कितना, इतना का आगे पीछे हो चुके हैं है ना, तो इतना जो है सो अंतर तो हो गया ना, इतना दूरी का। तो यही कहता है कि जब एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, कितने किलोमीटर की, तो यही 7 किलोमीटर की दूरी। और समय की बात करें तो दोनों को समय कितना लग जाता है, 3 घंटा लग जाता है, कितना घंटा लगता है, 3 घंटा, क्लियर, कब, जब एक ही दिशा में चलते हैं तब। अच्छा, तो एक बात हम ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ समय लगा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, एक के द्वारा मतलब पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी इतना है, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी इतना है। अभी 7 किलोमीटर हमको कैसे प्राप्त होगा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी में से इसके द्वारा तय की गई दूरी को घटा लेंगे तो 7 किलोमीटर आ जाएगा, क्लियर। तो सीधी सी बात है, जब एक ही दिशा में चले तो जितना का अंतर होता है ना, जितने की दूरी पर रहते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों व्यक्ति के गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कर लेंगे, तो ये हमारा 7 किलोमीटर आ जाएगा, क्लियर। आइए दूसरी स्थिति को देखते हैं, यहाँ पे कहता है यहाँ विपरीत दिशा में चलते हैं, तो जब यहाँ दोनों थे एक पॉइंट पे और विपरीत, ये पहला व्यक्ति इधर की ओर गया, दूसरा व्यक्ति इधर की ओर गया, क्लियर। तो इस तरह से ये 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है, यानी कि कितना किलोमीटर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 300 किलोमीटर की दूरी पर। अब ये 300 किलोमीटर दूरी कैसे क्या होगा पता, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा तय की गई दूरी, पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी को जोड़ देंगे तो हमारा 300 किलोमीटर दूरी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसी के आधार पर हमको यहाँ पे समीकरण तैयार करना है, और जब समीकरण तैयार हो जाएगा तो उसको हल कर लेंगे, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, वही हमारा पहले और व्यक्ति के गाड़ी की चाल निकल करके आ जाएगा, क्लियर। तो हमारा समय भी पता है, दूरी भी दोनों स्थिति का पता है, और हम लोग दूरी बराबर चाल गुने समय ऐसा फॉर्मूला भी जानते हैं,
तो देखिए ना, समय तो दोनों के लिए 3 घंटा है। अब पहले व्यक्ति की चाल कितना है, एक्स किलोमीटर, तो घंटा इतना 3 घंटा, तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो अगर पहले व्यक्ति की अगर दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाल x किलोमीटर, समय कितना है 3 किलो, 3 घंटा, 3 घंटा है। तो यहाँ से अगर हम दूरी की बात करें तो चाल गुने समय होता है, तो चाल हमारा x और समय 3, तो हमारा क्या होगा, x गुने 3 यानी कि 3x किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर? और दूसरे की चाल ज्ञात करने की बात करें तो दूसरे व्यक्ति की चाल है हमारा वाई और समय 3, तो इस प्रकार इसका जो दूरी हो जाएगा वो 3y किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर? और हमने क्या बताया कि जब ये जो 7 किलोमीटर ये कैसे आएगा, तो दोनों व्यक्ति द्वारा तय की गई जो दूरी आया है उसका अंतर कर लेंगे, तो 3x माइनस क्या कर लेंगे, 3y, 3x माइनस 3y, और ये जो डिफरेंस होगा, जो ये अंतर होगा, कितना के बराबर होगा, तो 7 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 7 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब एक ही दिशा में चले तो हमको क्या करना है, इसको अंतर कर लेना है, ये याद रखना है। फिर दूसरा कंडीशन क्या कहता है, विपरीत दिशा में चलता है, तो विपरीत दिशा में भी चलेगा तो कितना होगा, तो देखिए, तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, यहाँ पे चाल गुने समय के हिसाब से यहाँ भी हमारा दूरी कितना होगा, उतना ही होगा, तो 3x और प्लस 3y, ठीक है, ये दूरी होगा इसके द्वारा, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के द्वारा, इस कंडीशन में विपरीत दिशा में गया है, तो इसको हमको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, और ये 300 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अब ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है, इसको क्या करना है, हल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ वाई वाला टर्म हमारा समान हो गया है, अब यहाँ पे प्लस माइनस होने के कारण ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इधर हमारा जोड़ने पर 307 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना होगा, 307 और बटा में 6 हो जाएगा। अब हम इसको भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे 6 से किसमें, तो इसमें आपका 307 में, तो कितना देखिए, 6 × 5 = 30 कट गया, 7 उतारेंगे 6 से, एक बार लगेगा, 6 × 6 से हमारा 1 बच जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, यानी कि ये जो हमारा आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 3x - 3y = 7 है, और यहाँ 3 × x का वैल्यू कितना रखेंगे, तो देखिए x का वैल्यू हमारा 51 × 6 आया है, है ना, इसको पूर्णांक तोड़ने पर 307/6 ही आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 307/6 लिख लेते हैं, -3y = 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 × 6 बचेगा कितना, 307/2 बचेगा। अब यहाँ देखिए इस साइड, है ना, कि हमारा कितना होगा, इधर -3y बचेगा और इधर 7 है, तो 7 और माइनस कितना हो जाएगा, 307/2, ठीक है। अब -3y = इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 7 × 14 -307, ठीक है, माइनस करेंगे तो -3y = 17 × 7 = 3 और 10 × 1 = 9, ये 293/2 होगा, ठीक है, माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 293/2 गुने 3, है ना, तो 293/6। अब हम 6 से भाग देंगे, 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 6 × 24, तो घटाएंगे तो शेष हमारा 5 बचेगा, ऊपर से 3 उतर जाएगा तो 53, है ना, तो यहाँ पे कितना बार लग जाएगा, 6 × 8 = 48, 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा शेष, 5, तो 5 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे बचा में 6, यानी कि 48 × 5/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, 51.1/6 किलोमीटर प्रति घंटा, y का वैल्यू 48.5/6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बात करें तो पहले व्यक्ति की गाड़ी की जो चाल होगा वो कितना हो जाएगा, पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहले व्यक्ति की चाल है ना कितना हो जाएगा हमारा, 51.1/6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की चाल
की बात करें तो वो 48.5/6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ए और बी दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं। उनकी चाल ज्ञात करें। यहाँ भी दो व्यक्ति है और दो स्थान है, तो सबसे पहले दो स्थान है उसको देख लेते हैं। फिगर को समझना जरूरी है तब जाके क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, ठीक है, दो स्थान है। और कहते हैं कि पहला स्थिति में क्या कहा है, दोनों के बीच की जिनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। यानी कि ए और बी की बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। कहता है कि जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं तो वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। क्लियर, तो देखिए ये इधर से भी दौड़ना शुरू किया, ठीक है, इधर से भी दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और इधर से भी दौड़ना शुरू किया, और दोनों मिलते हैं कितना देर में, तो 45 मिनट में। तो कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना जो बीच में मिलेगा, कोई थोड़ा सा धीरे दौड़ेगा कोई तेजी से दौड़ेगा। मान लीजिए कि ये दौड़ते दौड़ते और किसी ये तेजी से दौड़ा और ये धीरे से थोड़ा सा दौड़ा, तो यहाँ आके मिल गए। कहीं भी मिले उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर, और समय हमारा कितना लग जाता है यहाँ पे, 45 मिनट लग जाता है। कितने मिनट लगते हैं, 45 मिनट। यानी कि इधर से ये दौड़े इधर से ये दौड़े, दोनों व्यक्ति दो तरफ से दौड़े और 45 मिनट में एक दूसरे से मिल लेते हैं, तो दोनों के द्वारा कुछ ना कुछ दूरी तय किया गया होगा। उस दोनों दूरी को यानी इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। हमने पहले प्रश्न में भी बताया था जब विपरीत दिशा में दौड़ेगा, तो देखिए ना ये भी विपरीत दिशा में, ये इसकी ओर दौड़ रहा है ये इसकी ओर दौड़ रहा है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरी स्थिति में हमारा क्या कहा है कि यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे में मिलते हैं, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ना, अब एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में, यहाँ देखिए यहाँ पे है ये इधर की ओर ये भी चले, ठीक है, और ये भी यहाँ से चलेंगे, यह इसके सामने है, तो ये जो है से ये भी इधर की ओर चले, तो ये मिलेंगे कब, है ना, ये मिलेंगे कब, तो कहते हैं 6 घंटे में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 घंटे में जो मिलते हैं वो क्या होगा, तो देखिए, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, और ये जब मिलेंगे कहीं ना कहीं तो जा करके मिलेंगे, ये भी आगे चलेंगे और कहीं ना कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे आके ये मिल गए, दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे को छू लिए, एक दूसरे को छू लिए। अब बात आती है कि ये दूरी हम ज्ञात करने के लिए कैसे, तो इसके द्वारा पहले व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी में से हम घटा लेंगे, इस दोनों का अंतर 6 किलोमीटर आएगा कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में इसको लगा कितना, तो 6 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं, 6 घंटे लगे हैं। क्लियर, यही ने कहा है 6 घंटे में मिलते हैं। तो पहले भी प्रश्न में मैंने समझाया कि विपरीत दिशा में चलेंगे तो उन दोनों के दूरी को जोड़ देंगे, है ना, और जब एक ही दिशा में चलेंगे तो उनके दोनों के दूरी को घटा लेंगे, ठीक है, क्लियर समझ में आया। अब आइए इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो पहले व्यक्ति की चाल, माना कि पहले व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, और समय पहले स्थिति में 45 मिनट है, दूसरे स्थिति में 6 घंटे है। इस 45 मिनट को आप घंटा में चेंज करेंगे तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, काटेंगे तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, यानी कि 3/4 घंटा हो जाएगा पहले स्थिति में। क्लियर, अच्छा, इसके यहाँ से समय हमें पता है, तो इस स्थिति में पहले के द्वारा जब पहले व्यक्ति का चाल x है तो पहले व्यक्ति का दूरी कितना हो जाएगा, पहले व्यक्ति का दूरी कितना हो जाएगा चाल गुने समय से, तो 3/4 x हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का 3/4 y होगा दूरी। ये पहले व्यक्ति का हो गया और ये दूसरे व्यक्ति का हो गया दूरी, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस
ये 6 किलोमीटर है तो विपरीत दिशा में, तो इस दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या करेंगे, 3/4x + 3/4y बराबर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। फिर के दूसरा स्थिति में देखिए, ये क्या करा है, 6 घंटा लगा है और इसका चाल कितना एक्स वाई है, तो पहले व्यक्ति की दूरी, पहले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी हमारा 6x हो जाएगा चाल गुने समय के हिसाब से, और दूसरे व्यक्ति का जो दूरी हो जाएगा वो 6y किलोमीटर हो जाएगा। और हमने क्या कहा, जब एक ही दिशा में चलेगा तो उसके दूरी को अंतर कर देना है जो कि 6 किलोमीटर के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, 6x - 6y बराबर कितना, 6 किलो, मतलब 6 किलोमीटर, तो 6 लिख देना है। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों दूरी तो हमारा उतना ही है। अब इसमें से देखिए ना, 6 कॉमन हो गया, यानी x - y = 1 किलोमीटर हो गया, यानी कि ये इक्वेशन 2 हो गया, निकल गया। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को हल कर लेना है। तो देखिए ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है आपका 3/4x + 3/4y = 6 है, और दूसरा है x - y = 1, ठीक है। इसको हमें हल करना है, तो 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब 3/4 से इसमें गुणा कर लेंगे, ऐसे 1 है तो इसमें 1 से। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा, आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4x, ठीक है, और +3/4y = 6। इससे इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/4x - 3/4y = 3/4। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तो 3/4x + 3/4x है ना, बराबर में 6+3/4 यही होगा। अब यहाँ से देखिए ना, हर समान है, अंश भी समान है, तो क्या है, अंश जुट जाएगा, हर हमारा एलसीएम उतना ही हो जाएगा, तो 3 × 3 = 6, यानी कि 6/4x, क्लियर। इधर का एलसीएम कर लेंगे तो 6 × 6 = 24, और 24 × 3 = 27/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर देखते हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो हमारा 6x = 27 आ गया, तो x बराबर कितना, 27/6 काटेंगे तो 9 × 3 = 27 और 3 × 2 = 6, ठीक है, यानी कि 3 से काटे 3 × 27 = 3 × 6। अब इसको काटेंगे तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ये x का वैल्यू हो गया, मतलब पहले व्यक्ति की चाल। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका क्या, ठीक है, 1 तो थोड़ा सा बता रहे हैं, तो हम चलिए 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो x - y = 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है, 4.5 - y = 1। क्या करना है, -y = 1 - 4.5, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा -y = -3.5, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए y = 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। तो हमारा दोनों की चाल निकल करके आ गया, ये वाला जो आया, ये वाला, ये हो गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय चाल हो गया, और ये जो x का वैल्यू आया है यहाँ पे, ये वाला 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो हो गया हमारा पहले व्यक्ति के द्वारा तय, मतलब पहले व्यक्ति के द्वारा चाल है ना, पहले व्यक्ति का चाल, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो 2 प्रश्न बताया वो आपको पूरा पूरा समझ में आया, ठीक है। और तो हमें कमेंट करके आप बताइए कि समझ में आया या नहीं, समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।